हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जबरदस्त ड्राइंग के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें आपको मिलेगी एक असेंबली की ड्राइंग। क्या क्या, ये जो वाशर देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे, ये जो बोल्ट है ये, और ये जो नट है, इसकी पूरी डिटेल ड्राइंग यहाँ पे दे रखी है। किस तरह से दे रखी है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है ये भी आपको पता चलेगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही काम की ड्राइंग है ये। सबसे पहले जो ये नट है, ये जो लंबा वाला हिस्सा है, इसकी बात करते हैं। इसके ड्राइंग को मैं जूम कर देता हूँ। 3D आपने देख लिया होगा, यहाँ पे 3D व्यू जो इसका है, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे क्या क्या डायमेंशन दे रखी है देखिए। यहाँ पे हमें दे रखा है पूरी जो इसकी लेंथ है टोटल, वो है 100 mm। ठीक है, जो दोस्तों देखिए, ये M18 है, ना कि M18 की थ्रेड है ना। ये कहाँ पे, ये जो चूड़ियाँ कटी हुई है ना भाई, जिस पे ये लग रहे हैं बोल्ट, यहाँ पे ये वाला डाया 18 है। साथ में इसकी टॉलरेंस है माइनस में 0.01, माइनस में 0.02। मतलब ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है भाई, माइनस की साइड में है पूरी की पूरी टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस है। और जो टोटल टॉलरेंस है वो कितनी है, सिर्फ 10 माइक्रोन है। हम इस पार्ट को कितना बना सकते हैं, 18 में से 10 माइक्रोन मिनिमम, मैक्सिमम जो होगा 18 में से 10 माइक्रोन घटा दो, और मिनिमम होगा 18 में से 20 माइक्रोन घटा दो। ठीक है, ये रहेगी इसकी टॉलरेंस। इसके बीच बीच में हमको ये बनाना पार्ट। ये वाला जो डायमीटर देख रहे हैं आप, दूसरा वाला स्टेप, ये बड़ा वाला मोटा वाला, ये वाला जो डायमीटर है वो है 22 mm। साथ में इसकी टॉलरेंस दे रखी है -0.01, -0.02, सेम वही टॉलरेंस है, यूनिलैटरल टॉलरेंस है। और यहाँ पे देखिए, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर दे रखा है 30। कौन सा डायमीटर, इस पर देखिए, यहाँ पे 3D मॉडल में आप देखेंगे एक फ्लैट कटा हुआ है। ये फ्लैट करना छोड़ के, ये जो डायमीटर है ये बन रहा है, ये जो डायमीटर है वो है 30 mm। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो लाइन है, ये इस फ्लैट की वजह से देख रही हैं, दिख रही हैं। यहाँ से इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है 6 mm है। किसकी, ये बना हुआ है फिर ऊपर की तरफ जो बना हुआ है, ये 6 mm का, ये ठीक है जी, ये 6 mm हो गया। 30 mm इस स्टेप की लेंथ है जिसका डायमीटर 22 है। 30 mm इस स्टेप की लेंथ है जिसका डायमीटर 18 mm है। इस तरह से इसकी ये डिटेल मिल गई। अब इसकी फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस जो है वो है 26 mm। इस फ्लैट से लेकर दूसरी साइड फ्लैट बना हुआ है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 26 mm है। ठीक है, ये किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है ये ड्राइंग, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। कैसे पता चला, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो आपका जो पार्ट है वो यहाँ पे है, और उसका व्यू बन रहा है यहाँ पे, मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपके बीच में है। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये देखिए, लेफ्ट साइड का व्यू लेफ्ट में ही बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड में यही होता है, राइट का व्यू राइट में बनता है और लेफ्ट का लेफ्ट में बनता है। फर्स्ट में इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्लियर नहीं है तो मैंने इसके वीडियोज बना रखे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके। अब बात करते हैं इसके बोल्ट की ड्रॉइंग की। ये देखिए, यहाँ पर वहीं सेम, यहाँ पे ID में M18 की थ्रेड है, ये जो देख रहे हैं आप, M18 की थ्रेड है। M18 की थ्रेड होगी तभी तो मैच होगी। ठीक है, इसकी फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस दे रखी है 24। बोल्ट की जो इस फ्लैट से लेके दूसरे फ्लैट तक की जो डिस्टेंस है, फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस है 24 mm। और इसकी थिकनेस दे रखी है 10 mm, साइड व्यू में दिखा रखा है। ठीक है जी, अब ये वाशर का दे रखा है, ये जो पतला सा वाशर देख रहे हैं इसका क्या क्या दे रखा है। फाई फाई जो सिंबल होता है डाई के लिए यूज होता है। ये जो अंदर वाला डायमीटर है वो 19 है, जो आर पार कटा हुआ है होल है। और ये आउटर डायमीटर बड़ी वाली ओडी है, वो है 30। ठीक है, 19 और 30, ये दोनों। इसकी थिकनेस कितनी है, 1 mm यहाँ पे दे रखा है। इसका साइड व्यू है, ये 1 mm इसकी थिकनेस है। तो मेरे ख्याल से ये ड्राइंग आपको समझ आई होगी। अगर ड्राइंग अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।